हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 21 इंटरनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर 21 इंटरनल ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 22 दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट करेंगे। हम आपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन यानी कि AVM एंड द रोल ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनल ट्रेड। ये लास्ट के दो टॉपिक बचे हैं चैप्टर नंबर 21 के, तो हम आज के लेक्चर में इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन इज दैट टाइप ऑफ मशीन फ्रॉम विच वी कैन गेट द प्रोडक्ट बाय इंसर्टिंग अ प्री डिटरमाइंड कॉइन और टोकन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम जब कोई टोकन या कॉइन इंसर्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है, उसको हम ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स कहते हैं। ऐसी वेंडिंग मशीन्स मोस्टली कहाँ पे पाई जाती हैं? एयरपोर्ट्स पे, मेट्रो स्टेशन पे या मेट्रोपॉलिटन सिटीज की कई और पॉपुलर जगह पे ऐसी मशीन्स पाई जाती हैं। दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट सेल। ये सब अभी लेटेस्ट मेथड है किसका? डायरेक्ट सेल का। No person is needed to operate this machine. इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए किसी और पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब सेल्स पर्सन आपको नहीं मिलेगा, आप खुद ही इस मशीन को यूज कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू इंसर्ट द कॉइन और टोकन और जो आपको प्रोडक्ट चाहिए आप वो प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। These machines are mostly found at petrol pumps. ये machines petrol pumps, metro station, bus stand, airport and many other places in metropolitan cities में पाई जाती हैं। ये आपने metro station पे भी देखी होंगी, airports पे भी देखी होंगी और malls वगैरह में भी आजकल ये machines available हो गई हैं। ये मशीन क्या है? ईजी टू ऑपरेट होती है, आप भी इसको ऑपरेट कर सकते हो क्योंकि इसमें जस्ट आपको टोकन डालना है या कॉइन डालना है और आपके पास जो प्रोडक्ट आपको डिजायर है और जो उस मशीन में अवेलेबल है वो आपको मिल जाता है। मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट्स, ऐसे तरह के प्रोडक्ट्स ही आपको इस मशीन में अवेलेबल होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। इस मशीन की क्या एडवांटेज है? सेल्स आर पॉसिबल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम सेल्स पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद आपको सामान नहीं मिलेगा, शॉपकीपर नहीं मिलेगा, नहीं, आपको मशीन अवेलेबल मिलेगी, मशीन में सामान अवेलेबल मिलेगा, आपको कॉइन डालना है और आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेल्समैन इज नॉट नीडेड, कोई भी सेल्समैन ऑपरेट करने के लिए नहीं चाहिए। प्रोडक्ट इज ऑफ सिमिलर वेट एंड क्वालिटी, जो प्रोडक्ट आपने डिजायर किया, जो आपने प्रोडक्ट के लिए विश किया, जो आपको चाहिए वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, उसका वेट भी सिमिलर होगा और उसकी क्वालिटी भी सिमिलर होगी। फ्रेश प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल होंगे वो क्या होंगे? फ्रेश होंगे। नॉट डिफिकल्ट टू ऑपरेट, और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती ऑपरेट करने में। नो फियर ऑफ थेफ्ट एज थेफ्ट अलार्म आर इंसर्टेड, इस मशीन से कोई भी चोरी की उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन में क्या होते हैं? ऑटोमेटिक थेफ्ट अलार्म इंसर्ट किए गए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। अब उसकी एडवांटेज है तो ऑब्वियसली उसकी डिसएडवांटेज भी होगी। तो क्या डिसएडवांटेज है? पहली डिसएडवांटेज है सेल्स प्रोसेस इज कॉस्टली, जो सेल्स प्रोसेस है वो कॉस्टली है। आपको कॉइन इंसर्ट करना है, फिर आपको वेट करना है, फिर आपका प्रोडक्ट आपके पास आएगा। ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर, अब वो मशीन जो ऑटोमेटिक काम करती है जस्ट बाय इंसर्टिंग अ कॉइन, उसमें अगर कुछ डिफेक्ट हो जाता है या डिफॉल्ट हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर में ज्यादा खर्चा आता है। Coins of same size are needed. जो coins इन machines में हम insert करते हैं उनका साइज क्या होना चाहिए? एक दूसरे से सेम होना चाहिए। प्रोडक्ट कैन वेस्ट इफ नॉट सोल्ड, अब जरूरी नहीं है कि उस मशीन में रखा हुआ सारा प्रोडक्ट कंज्यूम होए, हो सकता है कि जो प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजफुल टू सेल ओनली फ्यू आइटम्स, ये कुछ ही आइटम के लिए फायदेमंद है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो था वो है रोल ऑफ चैम्बर्स एंड इंडस्ट्रीज इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। जो रोल ऑफ चैम्बर्स, चैम्बर सोसाइटी जो क्रिएट की गई है या जो इंडस्ट्रीज हैं प्रमोशन में हेल्प करते हैं इंटरनल ट्रेड के, उनका क्या रोल है? क्या रोल है? दीज आर दी वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल हु आर लिंक्ड विद बिजनेस, ये ऐसी वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जो पीपल खुद बनाते हैं जो बिजनेस से ही लिंक होते हैं। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट को बचा के रखना, इंटरेस्ट को सेव करना, किसका? बिजनेस का और बिजनेसमैन का।
दे लुक फॉर दी होल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. ये सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, पूरी इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के पे फोकस करते हैं. दीज चैम्बर्स आर फॉर्म्ड एट रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. ये जो चैम्बर्स हैं वो रीजनल, एक रीजन के लिए भी क्रिएट किए होते हैं, नेशनल लेवल पे भी क्रिएट किए होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिएट किए होते हैं. रीजनल लेवल पे जो है वो कौन कौन से हैं, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स. नेशनल पे क्या है, द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द लंदन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. द इंटरनेशनल लेवल पे कौन से हैं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि फ्रांस में है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं चैम्बर्स और डिफरेंट इंडस्ट्री इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड के. आई होप आपको रोल ऑफ चैम्बर्स और इंडस्ट्री इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड का मीनिंग की क्या है एक्चुअली में, ये वो समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आता है रोल एंड फंक्शंस. क्या रोल है इनका. फर्स्ट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस कम्युनिटी. दीज एसोसिएशंस रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एंटी बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज. ये एसोसिएशन जो होती है ना, ये उन उनमें हेल्प करती है, उन उन बिजनेस पॉलिसीज के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाती है जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है इनके बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए. अगर इनको लगता है कि वो इनके बिजनेस के अगेंस्ट है तो ये क्या करते हैं, उन बिजनेस एक्टिविटीज या उन बिजनेस पॉलिसीज के अगेंस्ट क्या कर देते हैं, वॉइस रेज करते हैं और स्ट्राइक पे चले जाते हैं. ये स्ट्राइक्स कई बार इतनी ज्यादा होती हैं कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपने डिसीजन को वापस लेना पड़ता है. सेकेंड फंक्शन या रोल क्या आता है, इन्फॉर्मेशन टू मेंबर. ये क्या करते हैं, ये सारे डाटा को कंपाइल करते हैं, कंपाइल मतलब इकट्ठा करते हैं बिजनेस के टाइम से टाइम पर, हर पीरियड के एंड पर, और उस इन्फॉर्मेशन को अपने मेंबर्स तक पहुंचाते हैं जो कि बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी चीज है. उसको पता रहता है कि किस टाइम उसने किस एक्टिविटी से उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और किससे उसको लॉस हो रहा है, तो वो इन फ्यूचर अपने डिसीजंस को बहुत केयरफुली लेता है. रोल ऑफ स्पोक्समैन, ये क्या करते हैं, स्पोक्स पर्सन का काम करते हैं. जैसे कि किसी इंडस्ट्री को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो ये उनके बिहाफ पे उस इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे और उसको हैंडल करेंगे. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये क्या करते हैं, इनका ये भी मकसद होता है कि हर इंडस्ट्री का बिजनेसमैन, हर व्यक्ति जो भी बिजनेस से इन्वॉल्व है, बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो उनको एजुकेट कर सके और उनको ट्रेनिंग दे सके इंटरनल ट्रेड के लिए. रिमूवल ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स जो झगड़ा हो जाता है इंटरनल ट्रेड में आपसी काउंटर पार्टीज में, उनको भी क्या करते हैं, उनको भी रिमूव करने में मदद करते हैं ताकि जो इंटरनल ट्रेड है वो क्या हो, स्मूथली रन हो सके. ऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्रियल फेयर्स, और ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल फेयर्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं. इंडस्ट्रियल फेयर्स मतलब कि एक इंडस्ट्री, सपोज क्लोथिंग इंडस्ट्री है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, फेयर भी करेंगे कि आपके लिए हम एक मेला सा लगाएंगे जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को क्या कर सकते हैं, कस्टमर के आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इससे आपके प्रोडक्ट बिकेंगे भी, कस्टमर अट्रैक्ट भी होगा और आपके आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं. हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 22 इंटरनेशनल बिजनेस को स्टार्ट करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़.